देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। स्कूल का वो खुलेगा, स्कूल का वो खुलेगा हमारा। सर पानी चाहिए, उन्होंने बोला प्लीज सर। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। बिल्कुल हंसमुख इंसान है एकदम। देखो ये भैंस हमें देख कर डर डर के भाग रहे हैं। ए बगली 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 ये जय गौ माता, हमें कुछ नहीं आता। तो देखो ये है बरेली का झुमका। खाना वाना हो गया, भर पेट भोजन खाया हमने, पाँच छः छः रोटी, पाँच पाँच करो। सब्सक्राइब करो इनके चैनल, खाना बढ़िया बना रखा हो गया आपने, ठीक है ना। वहाँ साथ ही खा रहा हूँ। ये देखो पोस्ट मार्टम। जय जय श्री राम, हर महादेव। मेरा नाम अंश, पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से एक ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज मेरी यात्रा का सातवां दिन है, और आज हम रुके थे, आज नहीं रात रुके थे, हरीती पब्लिक स्कूल में। ये बरेली से कोई 25 किलोमीटर पहले पड़ता है, और काफ़ी बड़ा स्कूल है। ये देखो इधर कम से कम 6-7 बस खड़ी हैं, और ये सामने का क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं, अभी मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा, अपॉइंटमेंट वगैरह जो भी क्या बोलते हैं इसको, क्या 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 बोलते हैं, चलो मेरे याद नहीं आ रहा अभी। और ये देखो कल क्रिसमस था ना, 25 दिसंबर थी कल। देखो कैसे इन्होंने इसको सजाया हुआ है भाई साहब, ये क्रिसमस ट्री है, दिस इज़ इनसेन मैन। देखो ये पेड़ पौधे कैसे बच्चों ने सजाए हुए हैं। ये देखो क्रिसमस का चेहरा है ना, और ये सारा ये स्कूल है, बड़ा प्यारा स्कूल है। ये इधर से स्कूल है गार्डन में सामने, मैं उधर जा नहीं रहा, उधर कुत्ते हैं। और ये यहीं पे घर भी इनका है। और हम रुके कहाँ थे, अब मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ। ये बरेली में पड़ता है स्कूल, हरीती पब्लिक स्कूल। को रात हम 60 किलोमीटर चले थे कम से कम। दो भाई मिले जो यहीं स्कूल के जो ओनर है, वे मिले हमें प्रिंसिपल साहब, तो वे हमको यहाँ पर ले आए। ये रही अपनी गाड़ी स्प्लेंडर, जिस पे सारा सामान लोड होता है। रिसेप्शनिस्ट बोलते हैं इसको, रिसेप्शन बोलते हैं। देखो अब ध्यान आ गया। और वैसे स्कूल जाना बड़ा डिजिटल है। ये देखो क्रिसमस का घर बना हुआ है। जय श्री राम, जय श्री राम। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं सेंटा क्लॉज, ठीक है ना, वी एक्सपेक्ट द रिलीजन मैन। देखो हाँ रिसेप्शन बोलते हैं, देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, ये आरओ का वाटर लगा हुआ है। और हम कहाँ लेटे हुए थे, मैं आपको जगह दिखा देता हूँ। देखो वैसे तो ये है स्कूल पूरा। ऐसा मेरा भी ना स्कूल खोलने का जी करता है, मैं अलमीन इट। देखो मैं जो कहता हूँ ना वो करके दिखाता हूँ। आज मैं कह रहा हूँ कि मैं स्कूल खोलूँगा तो आई विल डेफिनेटली ओपन इट, चाहे एक साल लग जाए, दो साल लग जाए, चाहे 10 साल लग जाए, मरने से पहले खोल के जाऊँगा। और देखो हम यहाँ पर रात गुजार रहे थे। ये रहा अपना उज्ज्वल गोला, बेचारा ठंड में देखो कैसे बैठा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये सनी भाई जो हमें हेल्प कर रहे हैं हमारी यात्रा को सफल बनाने में। और ये गोला जी, जय श्री राम, क्या कर रहे हो? मैप देख रहा हूँ, वीडियो देख रहा हूँ, मैप देख रहा हूँ। ये हमारा मैप रीड करते रहे 24 घंटे। तो जो स्कूल है काफ़ी अच्छा है, राधा मिठाई शिठाई खा रहे हैं ऐसे बहुत कुछ बताइए है ना। और अभी मैं आपको इधर से दिखाता हूँ सामने से, सामने बहुत अच्छा स्कूल है, काफ़ी अच्छा स्कूल है। मेरा हाथ ही दिल आ गया। हेलो उज्ज्वल से पूछ लूँ, उज्ज्वल को बनाऊंगा मैं पार्टनर अपना। उज्ज्वल स्कूल कब खुलेगा, स्कूल कब खुलेगा हमारा? हाँ जब राम जी चाहेंगे, जब राम जी चाहेंगे। जय श्री राम। अब हम दोनों ना स्कूल के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। तो देखो ये बस खड़ी है इधर, है ना, इधर ये इसके बारे में बात करते हैं हम। तो देखो इधर पार्क वगैरह है, बहुत ही अच्छा स्कूल है। तो अभी हम चाय नाश्ता करेंगे, फिर आपसे मिलेंगे। जय जय श्री राम। हमने जा ही रहे थे तो जो स्कूल के ओनर है, जो प्रिंसिपल है, उन्होंने कहा कि नाश्ता करके जाना, और नाश्ता आ चुका है। और नाश्ते में देखो क्या क्या इन्होंने भिजवाया है। इसमें चाय है, पराठे हैं बथुए के, ये देखो मक्खन भर भर के, कान्हा जी की याद आ रही है, अचार हैं दो तीन प्रकार के। तो इसको करने के बाद हम बरेली के लिए लिख लेंगे। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। आपने सुना होगा तो आज हम उस बाजार में को निकलेंगे। मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ उसमें, देखेंगे कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। सो आई विल शो यू एवरीथिंग, मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। चलो तो पहले मैं नाश्ता वगैरह कर लूँ, फिर चलते हैं। तो अब हम सारे के सारे चल चुके हैं। ये रही हमारी राम जी की सेना, दो ये रहे। जय श्री राम, जय श्री राम। तो आज हम थोड़ा लेट चल रहे हैं क्योंकि कल हम 50-60 किलोमीटर चले थे और भाई साहब हमसे चला नहीं जा रहा था। और आज देखो मैंने इन्हें स्कूल वालों से, भैया से ये लठ ले लिया। और ये है स्कूल, दिख रहा है? नहीं दिख रहा, बस तो दिखी रही होगी है ना, वो देखो पीली पीली। ये बस बड़ा अच्छा स्कूल है,
हम भी स्कूल पर आए गए हैं बोला। अब मैं रहूंगा प्योन। क्या रहेगा? मैं रहूंगा प्योन। अच्छा, घंटी बजाते रहेंगे मेरे पे सर, पानी चाहिए पानी। तू जैन मिला के ना पिला दे कितनी। सर पानी चाहिए, उज्जवल बोला प्लीज सर। इनकी सोच वहीं मत तक ही है बस, प्योन तक ही सोच है भैया। और क्या करे बताओ, अभी तक किस्ती में जा रही बाइक की। तो आज का सफर यहीं से शुरू होता है हमारा, बरेली से 25 किलोमीटर पहले, और हम बरेली जाकर रुकेंगे आज। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। बिल्कुल हंसमुख इंसान है एकदम। हम मवाना से यहाँ तक 200 किलोमीटर चल चुके हैं। बरेली मवाना से बरेली पड़ता है 200 किलोमीटर, और हमें यहाँ पे आके पता लग रहा है कि 480 किलोमीटर अभी भी अयोध्या बची हुई है। तो टोटल 700, यानी कि 700 किलोमीटर पड़ता है हमारे मवाने से अयोध्या का सफ़र। मैप जो है गूगल बाबा झूठ बोलते हैं भाई साहब, सरासर झूठ बोलते हैं। और हमसे एक गलती हो गई, हमने ना दूसरा रूट पकड़ लिया। हमें लेना था हसनापुर वाला रूट, वो हमें शॉर्ट पड़ता, बट हम आ गए किला किशोर को, साझापुर को। तो ये जो रूट है ये लॉन्ग है, उधर से हमारा 100 किलोमीटर बच जाता, तो वो जो 600 किलोमीटर था वो उधर से पड़ रहा था। अब हमारे इधर से तो ये हमें पड़ रहा है 700 किलोमीटर। तो गाइस यहाँ पे तो हम हैं भगवाधार श्री राम के दीवाने। सब दोस्तों जय जय श्री राम। हम पहुँचने वाले इस समय बरेली में। अभी तक बरेली फिर 25 किलोमीटर दूर है। यहाँ तो रास्ते भी मैप के अकॉर्डिंग बहुत डिपेंड है। वहाँ पीछे लिख रहा हूँ 32, मैप दिखा रहा है 25। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है हमें। दोस्तों अभी हमें फतेहगंज में, और फतेहगंज में चाय पी रहे हैं दोबारा से, है ना। और अभी हमारे यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है झुमका। कितने किलोमीटर बाबूजी? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर दूर है। तो ये बाबूजी हैं, ये बता रहे हैं कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। अब बरेली कितना पड़ेगा? बरेली यहाँ से पड़ेगा 25। और बरेली से आगे क्या है फिर? और वो बाज़ार कहाँ है जो बरेली के बाज़ार में? वो बाज़ार कहाँ है? अच्छा वही है वो। वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे क्यों? अच्छा, तो हम उस बाज़ार में नहीं निकल के जाने के, कहीं और से जाएंगे। कोशिश करेंगे कभी दोबारा आए तो जब आपको दिखाएंगे बरेली का बाज़ार। अभी तो झुमके तो मिल जाएंगे हमें। झुमका तो नहीं मिलेगा आपको, झुमका चल रहा है तो झुमका मिलेगा। लगा हुआ है, कितने बड़े बड़े झुमके हैं? एक ही है, कितने बड़ा है? एक ही है। मैं कुत्ते रूम है, मैं 2 महीने पहले आया था। देखो ये भैंस हमें देख के डर डर के भाग रही हैं। ए बगली 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 ये ए बगली 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 भागी 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 भागी। जय गौ माता, हमें कुछ नहीं आता, गणपति बब्बा मोरिया। दोस्तों फाइनली हम बरेली पहुंच चुके हैं। बरेली नहीं पहुंचे एग्जैक्ट, अभी हम बरेली से 15 किलोमीटर पीछे हैं। और देखो आपने झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में गाना तो सुना ही होगा। आज मैं आपको लाइव झुमका दिखाता हूँ बरेली का। और तुम्हें सही बताऊँ ना, यहाँ कुत्ते रो रहे हैं, कोई नहीं पूछ रहा इसे। जो ऐसे देखो कैसे बरेली का झुमका सब देखने के लिए आते होंगे। देखो कितना गंदा है ये देखो, सब कितना गंदा पड़ा है सब। ऐसी है हमारे नंदी महाराज जी आ रहे हैं। तो देखो ये है बरेली का झुमका। देखो एक छोटा सा पार्क है ये, इसको बोलते हैं बरेली का झुमका, यही है वो। और सामने बरेली का गेट है जो कि 15 किलोमीटर आगे है, और यह है बरेली का झुमका। देख लो कैसा है, झुमका ही गिरा। यहाँ से बरेली अभी 15 किलोमीटर दूर है, और ये बरेली का झुमका है। और आगे भी दिखाई दिए तो हम आपको वे भी दिखाएंगे। पुलिस वाले मुझे देख रहे हैं ये क्या कर रहा है। हमने बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि वहाँ जाके बरेली जाके झुमका देखेंगे, झुमका देखेंगे, पर यहाँ से झुमका ही देखना, झुमका ये देखना, झुमका है। कोई कह देगा यार झुमका, तो झुमका पार करके हम 2-3 किलोमीटर अंदर बैठे हैं और हम खा रहे हैं बिरयानी। क्योंकि झुमके के पास कुछ खाने को नहीं था, पानी पटक के खाए थे मैंने वहाँ से, मुझे बेकार लगे यार, इसने खाई नहीं तो। और एक बात और नोटिस कर रहे हैं, हम जैसे हम बरेली की तरफ को जा रहे हैं, ये ज़्यादातर ना इंडस्ट्रियल एरिया है सारा, यहाँ पर कंपनीज हैं सारी है। तो देखो सामने भी कंपनी है, बड़ी ठेली ऐसी लगी हुई है जैसे कंपनीज के बाहर ठेली लगी होती है ना खाने पीने के लिए, इसी तरीके की है। तो वही हम खा रहे हैं बिरयानी। इधर ही हो
आ जाओ जी खा लो। तो अपना बरेली कुछ ऐसा दिखाई देता है, और हमने ना बिरयानी खाई थी उससे हमारा पेट नहीं भरा, तो हम यहाँ पर एक होटल पे रुके हुए हैं। ये देखो होटल, ये है ओम कालेश्वर। तो इसमें हम खाना वगैरह खा रहे हैं, बहुत ही टेस्टी खाना बताया है भैया ने। ये भैया यहाँ पर काम करते हैं। हेलो भैया, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। तो भैया इधर यहाँ पर फास्ट फूड बन रहा है और इधर खाना बन रहा है, हमारी दाल वगैरह भी यहीं पर तैयार हो रही है, इधर रोटी वगैरह सारी। हेलो भैया, जय जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हैं आप? वाह बढ़िया। आपके होटल का नाम क्या है? ओम कालेश्वर बोल रहा है। ओम कालेश्वर। प्योर वेज। प्योर वेज। वेजिटेरियन ही ढूंढ रहे हैं। हाँ, फुल वेजिटेरियन है अपना। हेलो भैया, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आज हमारी प्रभात फेरी भी निकली है। अच्छा, ये क्या होती है? ये जो अक्षत आएंगे राम जन्मभूमि के। अच्छा अच्छा अच्छा। हम लोग उसके आगे संचालक है, हम भी उसी ने काम के लिए निकले हुए हैं। जय श्री राम। इधर देखो ये दाल मखनी तैयार हो रही है। राजा राम राय। हाँ, राजा राम राय। राजा राम राय। क्या बना रहे हो? दाल मखनी। दाल मखनी कढ़ाई पनीर। मज़े ही आ रहा बनने में भी, खाने में तुझे मजा आएगा। ये कढ़ाई पनीर है। हाँ, ये दाल मखनी। कढ़ाई में कैसे डाल रहे? अच्छा, ये है दाल मखनी। हाँ, जो ऑर्डर करी है ये पनीर वगैरह। ये दाल मखनी है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, देख लिया। देखा ये अपने यहाँ पे कॉफ़ी तैयार हो रही है। हेलो भैया, जय श्री राम। जय श्री राम। और सुनाओ क्या चाल है? और सब बढ़िया। तुम बढ़िया है साहब? कॉफ़ी बना रहे हैं, कॉफ़ी पी लीजिए। बस 30 रुपए की कॉफ़ी है, इतने बड़े गिलास में। कितने की? 30 रुपए की मात्र। मात्र 30 रुपए में एक कॉफ़ी। हाय हाय, चलो अभी पियेंगे। उधर रसगुल्ला और टब रखा आपने? बिल्कुल। गुलाब जामुन गया हुआ है। हाँ, ढक्कन धुलने के लिए गया हुआ है इसका। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो केक वगैरह ओपन नहीं है अपने पास? केक वगैरह भी सेल कर दो। केक आज 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 बगर इंडे के केक है अपने पास। चलो अच्छी बात। अरे अपने कस्टमर बैठे हुए हैं। हाँ जी। अरे अपने साथी। जय श्री राम। जय श्री राम। सनी जय श्री राम। जय श्री राम। हम यहाँ पे खा रहे हैं दाल मखनी, भूख लग रही थी हमें, उससे पेट हमारा भर गया। फिर हम यहीं उठ के यहीं खाएंगे जब चलेंगे। तो ये आ गए अपने दाल मखनी, मूंगली रोटी, हरी अपनी हरी मिर्च, जिससे हमारा दूर दूर तक वास्ता नहीं है। तो और अभी हमारी जो रुकने की व्यवस्था है वो यहाँ पे बजरंग दल का कार्यालय है, वहाँ पे रुकेंगे हम तीनों भैया। उन्होंने हमसे हमारा आधार कार्ड मांगा है, वहाँ शाम का विश्राम वहीं करेंगे। बिल्कुल बरेली से कल और परसों में 70-80 किलोमीटर कवर करना है हमें, फिर जाके हमें सांस आएगा कि हाँ मैं अयोध्या। यानी कि तो बात नहीं, बरेली रेस्टोरेंट में बैठे हैं यहाँ पे ओम कालेश्वर। हमने यहाँ पे दाल मखनी खाई, खाना बड़ा अच्छा था। रामपुर की चाय, अभी तक चाय जो अच्छी लगी वो रामपुर की अच्छी लगी, खाना जो अच्छा लगा वो बरेली में आकर अच्छा लगा। बरेली में ओम कालेश्वर होटल है, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया दाल मखनी बना रखी है। देखो बिल्कुल हमने खाली कर दी और हमारा पेट नहीं भरा अभी तक। एक और मंगवा रहे हैं उसे खाएंगे। सब्सक्राइब करो इनके चैनल। खाना बढ़िया बना रखा हुआ भी आपने, एकदम वेजिटेरियन खाना था, बड़ा अच्छा था। दाल मखनी ज़्यादा टेस्टी लगी, हम 10 बार रोटी खा गए, 5-6 तो मैंने खाई। हाँ हाँ, आइए भोजन करने। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने जी आपके यहाँ खाना पहले भी खा रखा हूँ। अच्छा जी। मैं पहला आया था बहुत पहले, जब खा रहा था आपने। भैया जी। इसका ले लीजिए भैया, बस सब तो कुछ। आपकी ये तीरथ के जो डे बाई डे आएंगे ये कैसे मिल जाएंगे? वाईफाई मिल जाए वहाँ पे डाल लेते हैं। वाईफाई आपको मिल गया था यहाँ पे? डाला आपने? नहीं अभी तो बहुत लोग पेंडिंग में हैं। डाल दो, 2 मिनट बैठ जाओ, वाईफाई दे दे रहे हैं हम। अच्छा, दाल मखनी बढ़िया बना रखी तुमने, एकदम झकास। तुम्हारी मुच्छों की दरी हो। तो खाना वाना हो गया, भर पेट भोजन खाया हमने, 5-6 रोटी खाई हैं इस होटल पे। अब हम सारे के सारे जा रहे हैं यहाँ से कोई 4-5-7 किलोमीटर वो पड़ता है, क्या बोलते हैं उसे, कहाँ जाना है? कार्यालय पे, RSS के कार्यालय। RSS का कार्यालय है, वहाँ पे जा रहे हैं अभी हम तीनों के तीनों। यहाँ से क्या किलोमीटर है? 7 किलोमीटर। 7.5 किलोमीटर। 7.5 किलोमीटर वहाँ पर हमारा स्टे है, फिर हम चलेंगे। और फिर कल का स्टे कहाँ है?
कलकत्ते शाहजहांपुर पहुंचाओ, शाहजहांपुर पे शाहजहांनगर कुछ ऐसी है तो शाहजहांपुर शाहजहांनगर। हाँ हाँ पता नहीं अभी कहाँ का है। देखना ई है बरेली, बरेली की नदियाँ हैं कैसे सड़ी पड़ी हैं बिल्कुल, नदी कह लो नाला कह लो अब तो इसे। अरे बरेली का बोले जिस तक हम जा रहे हैं तो ज़्यादा डेवलप एरिया नहीं है, बस ऐसे ही है। आओ जाऊँ ये है बरेली का फाटक। भीड़ देखो कितनी लग रही है, एम्बुलेंस भी पहुँची बड़ी नीचे, और यहाँ देखो ये फल फरूट वगैरह दिख रहे हैं नीचे। तो इस तरीके का शहर है, कुछ गंदगी तो पूरी है, साफ सफाई नहीं है। बरेली का नाम सुन के ऐसा लगता है कि हाँ कोई चीज़ होगी वाकई नहीं देखने दिखाने लायक। अभी तक मुझे सबसे अच्छा शहर जो लगा गजरौला और मुरादाबाद, उसके आगे सब पानी कम है। बरेली सबसे अच्छी चीज़ लगी मेरे को, ये तिरंगे वाली लाइनिंग, और देखो नीचे ये रेड लाइट जल रही है। और अभी हम बरेली पार नहीं कर पाए, इतना बड़ा बरेली है ये। आज का स्टे वैसे हम बरेली में करेंगे जैसे मैंने आपको बताया है, अभी वो हमसे 2-3 किलोमीटर दूर है स्टे, और अभी रात के 9-10 बज रहे हैं। चले जा रहे हैं राम का नाम लिए जा रहे हैं। और देखो यहाँ की कितनी अच्छी है, यहाँ पे ऐसे ऐसे लैंप लगे हुए हैं जगह जगह पर साइड में, और इधर खेत वेत हैं, खेत नहीं मतलब किसी का फार्म हाउस होगा, घर होगा किसी का, देखो ऐसे लगे हुए हैं बरेली के अंदर। देखो अरे देखो जहाँ भी मैं ब्लॉगिंग शुरू करता हूँ ना वहीं शुरू हो जाता है, ठीक है कंटेंट चुराने की आदत है। अरे अपना सनी भैया जूते दिवा दिए तुझे भैया जी, जूते पुत्ते का तो पता ना, मैं इसे समझाऊँ मगर जूते पहन के जाइए चप्पल में भैया भुगत ना मुझे पड़ रहा। यारी देखो यारी पहले यारी है बस, यारी के चक्कर मार के भैया अंडा बेचारा जूते पहन रहा है, जिंदगी देखे जूते दे दिए इसे पहनने को, अभी जरा कुछ चप्पल में देखे जुराब पहन रखी बताओ दे रही हो अट्टू इसे गाली दे रहा कौन कौन सी है हिंदी में चलूंगा। एक चीज़ दिखाता हूँ जिसका आपने अभी तक नाम ही सुना होगा मूवीज में नाटक में, ठीक है ना, आज सामने दिखा रहा हूँ ये देखो पोस्ट मार्टम बरेली हाउस हरवेरा सामने, ये देखो यहाँ पर पोस्ट मार्टम होता है, ठीक है ना, अगर किसी दिन हमारा एक्सीडेंट हो गया तो हमारी बॉडी यहीं आवेगी, पर यहाँ नहीं, हमारे तो मेरठ वेट के में पता नहीं कहाँ पर होगा क्योंकि हम गाड़ी बहुत तेज चला रहे हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ रेलारी बाइक है हिमालय की है बरेली का चौकी चौराहा, और बरेली यहाँ से देखने में लगती है हाँ दिल्ली नोएडा जैसी है, अगर आप आंखों से देखो इसमें कैसी दिख रही है मेरे को नहीं पता, बट इट इज़ समथिंग। और ये जो बरेली है मैं आपको सही बता दूँ ये दिखने में कैसी लगती है, अगर आप कभी बिजनौर गए हो, हमारे वहाँ मोहाने के पास बिजनौर पड़ता है, तो सेम डिक्टो जैसा बरेली है ऐसे ही हमारा बिजनौर भी है। मैंने भाई साहब बरेली को लेकर बहुत गलत फहमी में जीता था, बरेली तो बिंदास शहर है। हाँ मैंने पीछे वीडियो बनाई हुई बरेली के गाँव थे, वे गाँव ऐसे गाँव थे, और बरेली की सड़कें देखो ये हैं इस तरीके की, रेड वगैरह रेड कारपेट वगैरह रेड कलर की, और इनकम टैक्स का वो है आयकर भव्य, देखो इनकम टैक्स ऑफिस है ये इधर, और ये बड़ा ही बेहतरीन शहर लग रहा है मेरे को, सड़कें देखो साफ सुथरी हैं, और यहाँ पे 5-स्टार प्रॉपर्टी के होटल भी हैं भाई साहब। तो दोस्तों ये है केशव कृपा, यहाँ पे रुकेंगे, ये है बजरंग दल RSS वालों का कार्यालय, ये केशव कृपा, ये है बजरंग दल वालों का कार्यालय।